अक्सर काम के चक्कर में लोग घंटों ऑफिस की कुर्सी पर बैठे रहते हैं, मगर लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने से मोटापा, डायबिटीज, पेट दर्द, कैंसर के अलावा डेड बट सिंड्रोम यानी ग्लूटील एमनेशिया का खतरा भी रहता है। हालांकि यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन समय रहते ध्यान न दिया जाए तो इससे हिप्स व उसके आसपास का हिस्सा कमजोर हो जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आप ध्यान रख सकते हैं अपना। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वास्थ्य दरबार। क्या है डेड बट सिंड्रोम? एक्सपर्ट के मुताबिक यह हिप्स में होने वाली परेशानी है, जो एक मांसपेशी ग्लूटियस मेडियस के ठीक तरह काम न करने की वजह से होती है। इसके कारण सिर्फ हिप्स में ही नहीं बल्कि पीठ, घुटनों, एड़ियों में भी दर्द होता है। डेड बट सिंड्रोम के लक्षण: कुल्हों व उसके आसपास सुनपन, जलन व दर्द, हिप्स में चींटियां चलती हुई महसूस होना, अजीब से झनझनाहट व सेंसेशन महसूस होना, हिप्स में दर्द व खिंचाव, पीठ, घुटनों, एड़ियों में दर्द। किन लोगों को होती है अधिक समस्या? ऐसे लोग जो कुर्सी पर बैठकर देर तक काम करते हैं। इसके अलावा सोफे या कार पर सीट पर भी ज़्यादा देर समय बिताने वाले लोगों को भी यह समस्या हो सकती है। हालांकि मसल इम्बैलेंस की समस्या शारीरिक रूप से सक्रिय लोगों को भी हो सकती है। डेड बट सिंड्रोम के कारण: दरअसल एक ही जगह पर लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से उनमें खून की आपूर्ति नहीं हो पाती है। वहीं मांसपेशियों का कम इस्तेमाल होने की वजह से भी कुल्हों में सुनपन आ जाता है। लंबे समय तक यह समस्या रहने की वजह से उसके आसपास के हिस्सों में भी तेज दर्द होने लगता है। इसके अलावा तेज गति से चलने की वजह से भी डेड बट सिंड्रोम ट्रिगर हो सकता है, इसलिए हमेशा धीरे धीरे चले। डेड बट सिंड्रोम से बचने के टिप्स: इस सिंड्रोम से बचने के लिए सबसे पहले तो एक ही जगह पर चिपके ना रहे। अगर ऑफिस में हैं तो हर 30 मिनट बाद उठकर घूमें। थोड़ी थोड़ी देर बाद सीट से उठकर हिप एरिया का इस्तेमाल करते रहें। इससे प्रभावित एरिया में ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। रोजाना कम से कम 30 मिनट की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते रहें। इससे हिप्स में ब्लड सप्लाई बढ़ेगी और मांसपेशियों में मजबूती होगी। हो सके तो कुछ देर पालथी मारकर बैठ जाएं। डेली रूटीन में थोड़ा टहलें, इससे भी मांसपेशियां सक्रिय रहेंगी। इसके अलावा इस समस्या से बचने के लिए अपने रूटीन में टाइगर पोज, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, स्क्वाट्स, भुजंगासन, ब्रिज पोज को शामिल करें। ऑफिस में लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करके भी आप इस समस्या से बच सकते हैं। दर्द और सूजन को कम करने के लिए आइस पैक या कोल्ड कंप्रेस से सिकाई कर सकते हैं। इसके अलावा अपने पैरों को ऊपर और अच्छी तरह से समर्पित रखें। आज हमने आपको बताया कि डेड बट सिंड्रोम क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे खुद का ख्याल रखा जा सकता है। ऐसी और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार और रखिएगा अपना ख्याल। धन्यवाद।